हिसार के उकलाना में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी का सुराग देने पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता। सरकार ने एक वित्त वर्ष में 2 बार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कलेक्टर दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, हर गरीब को योजना का लाभ देना सरकार की प्राथमिकता। मेजर जनरल अनुज माथुर ने भिवानी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिंकारा कैंटीन का उद्घाटन किया। भूतपूर्व सैनिकों ने इसका स्वागत किया। और केंद्र सरकार 3 वर्ष के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू करेगी। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, इसका उद्देश्य खेलों को मुख्य धारा में शामिल करना है। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। हिसार के उकलाना कस्बे में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी का सुराग देने पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके लिए जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में 38 लोगों से पूछताछ की है और आश्वासन दिया है कि आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिसार के ADC AS मान ने परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के 2 लोगों को नौकरी और उस क्षेत्र में मौजूद 5 झुग्गी वालों को पक्के मकान देने का आश्वासन दिया। इसके बाद कल परिजनों ने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कैप्टन अभिमन्यु और राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने घटना की निंदा करते हुए इसकी CBI से जांच करवाने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि डेंगू से बच्ची की मौत और करीबन 16 लाख रुपए के बिलों पर जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर अन्य आपराधिक धाराएं FIR में जोड़ी जाएंगी। इस संबंध में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ पहले ही FIR 639 दर्ज की जा चुकी है। श्री विज ने बताया कि इसी रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने गुरुग्राम के रयान इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्र की हत्या के सिलसिले में इस ग्रुप के 3 न्यासियों की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति RK अग्रवाल और न्यायमूर्ति AM सप्रे की पीठ ने इससे पहले न्यासियों को अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली छात्र प्रद्युमन के पिता की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। दूसरी कक्षा का यह छात्र 8 सितंबर को स्कूल के शौचालय में मृत पाया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को यह मामला जांच के लिए सौंपा गया था, जिसने हत्या के सिलसिले में 11वीं कक्षा के एक छात्र को पकड़ा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने एक वित्त वर्ष में 2 बार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से संबंधित कलेक्टर दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री कल चंडीगढ़ में पत्रकारिता के समक्ष चुनौती विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय संपत्ति के बाजार मूल्य और कलेक्टर दरों के बीच एक समानता लाने के लिए उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया आने के बाद पत्रकारिता में चुनौतियां बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया के समाचार सही हैं या गलत, इसे जांचने के लिए एक संहिता बनाने की आवश्यकता है। भिवानी जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें भिवानी, तोशाम, सिवानी और लोहारू उपमंडलों से 4,439 मामले आए, जिनमें से 3,344 मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मौके पर ही कर दिया गया। लोक अदालत में 3,72,80,000 रुपये राशि के बैंक, बीमा, मोटर वाहन दुर्घटना, फौजदारी, वैवाहिक और अन्य मामलों का निपटारा किया गया। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव जज शिफा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतों का उद्देश्य दोनों पक्षों की सहमति में बगैर खर्च और समय पर मामले का निपटारा करना है।
क्योंकि जो केसेस हैं वो एक बार लोअर कोर्ट में डलते हैं, फिर उनकी अपील हाई कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट, हमेशा अपील का चैनल ओपन रहता है, जिससे केसेस बहुत टाइम लगते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर लोक अदालत में आकर पार्टीज़ केस को सेटल करती हैं, तो वो आज उनकी खुद की सहमति से, दोनों पार्टीज़ की खुशी से मैटर रिजॉल्व हो जाता है और उसकी कोई अपील भी नहीं डलती। तो इससे पार्टीज़ का टाइम बचता है, खर्चा बचता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो एक डिसीजन नहीं है, वो उनके हाथ में सीधा वो फैसला है जो वो दोनों अपने कंसेंट से लेते हैं। इसीलिए म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, इसलिए लोक अदालत बहुत बेनिफिशियल है। लाभार्थी किसान ने बताया कि उनका पीएनबी बैंक में ऋण संबंधित मामला अटका हुआ था, जिसे लोक अदालत ने मौके पर निपटा दिया। मामला बैंक ने बहुत बढ़िया काम करा, बहुत पैसे छोड़ दिए और मेरा सेटलमेंट हो गया। तो ऐसी लोक अदालतों का आप क्या लाभ मानते हो इस प्रकार? आपको इस प्रकार लोक अदालत का ये लाभ मानते हैं कि हर जमींदार को जो भी है उसको फायदा मिला, सिर्फ फायदा मिला है। पैरवी कर रहे वकील ने बताया कि लोक अदालतों का आयोजन समय समय पर जनता को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। पूरी तरह संतुष्ट होके जाते हैं, दोनों पार्टियों के वकील होते हैं, पूरी तरह उनको समझाते हैं, जज साहबान भैया हमारा पूरी तरह सहयोग देते हैं, उसमें अधिकारी जो भी आते हैं वो भी हमारे अच्छी तरह इन सारे निपटारों का केयर करते हैं और अच्छी तरह उनका निपटार हो जाता है। भूतपूर्व सैनिकों को रियायती दरों पर घरेलू सामान उपलब्ध करवाने के लिए मेजर जनरल अनुज माथुर ने भिवानी में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस चिंकारा कैंटीन सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को इस कैंटीन के माध्यम से एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का घरेलू सामान उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सेना इस कैंटीन को भविष्य में मॉडल कैंटीन के रूप में भी विकसित करेगी। मेजर जनरल माथुर ने कहा कि केंद्र सरकार का जीएसटी को लेकर उठाया गया कदम सराहनीय है और सैनिक कैंटीन में जीएसटी को पूर्णतया लागू कर दिया गया है। लगभग 60 लाख की लागत से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है, ताकि हमारे जो यहाँ पर एक सर्विसमैन हैं, जो वेटरन्स हैं, बहुत भारी संख्या में यहाँ तादाद में वेटरन्स मौजूद हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य जीवन देश के लिए कुर्बान किया है, तो उनकी सहूलियत के लिए इस कैंटीन को यहाँ पर मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम इस कैंटीन को एक मॉडल कैंटीन के तौर पर डेवलप करने के विचार रखते हैं और ये कैंटीन आने वाले समय में एक बहुत बेहतरीन कैंटीन हो जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि इस कैंटीन के बनने से सामान का वितरण और स्टोरेज पहले से बेहतर होगा। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं भी मेजर जनरल अनुज माथुर के सामने रखी। तो इससे जो है ना, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को ये सुविधा मिलेगी कि उनको लगातार लंबी लाइनों में खड़ा होने का काम नहीं पड़ेगा, सामान उसको अच्छी तरह से ले सकेंगे, इसीलिए इस कैंटीन की सुविधा की गई है। बाकी हमारे इस इलाके के अंदर एक कैंटीन जो है ना झज्जू के अंदर है, बारडा के अंदर है, भिवानी के अंदर है, ECHS भी हमारे लोहारू में है, भिवानी में, दादरी में, काफ़ी फैसिलिटी आर्मी की तरफ से एक सर्विसमैन को दी जा रही है। प्रदेश के सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने नई पहल करते हुए हर पथ हरियाणा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब कोई भी व्यक्ति मोबाइल से टूटी सड़क की फोटो लेकर ऐप पर डाल सकता है, जो विभाग के अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। इस ऐप के माध्यम से प्रदेश के 4 विभागों की 1.5 लाख सड़कों को जोड़ा गया है। हिसार में अब तक 5,000 व्यक्ति इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हैं। ऐप के माध्यम से 268 लोगों ने टूटी सड़कों की शिकायत की है, जिनमें से 168 शिकायतों का समाधान करवाया जा चुका है। हिसार के उपायुक्त निखिल गजराज ने बताया कि इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें प्रदेश की सभी सड़कों की जियो टैगिंग की गई है। शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने 15 दिन का समय निर्धारित किया है। निर्धारित समयावधि में कार्यवाही न करने पर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी से जवाब तलब किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति काफी गंभीर है। समाचारों में लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए प्रादेशिक समाचार। सही नहीं है ये, अभी भी खुले में शौच गलत है। गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद,
अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए मैडम, क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शेर 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 आया, शेर 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 सुन लिया, अब शायरी सुनिए। न झाड़ी के पीछे न पेड़ के नीचे, शौच करना है तो सिर्फ दरवाजे के पीछे। अब पूछे क्यों? क्यों खुले में शौच कीजिएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मेरे शेर के लिए एक और बकरा। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के प्रमुख डॉक्टर एम मोहपात्रा ने आकाशवाणी को बताया कि उत्तरी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि सरकार वर्ष 2020 तक 3 वर्षों के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू करेगी। इस पर 1,756 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास के लिए खेलों को मुख्य धारा में शामिल करना है। कर्नल राठौड़ भुवनेश्वर में युवा संवर्धन उत्सव को संबोधित कर रहे थे। श्री राठौड़ ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत देश भर में एक नई खेल छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी, जिसमें चुनिंदा खेलों के लिए हर वर्ष 1,000 प्रतिभाशाली युवा एथलीटों का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक एथलीट को 8 वर्ष तक हर साल 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। श्री राठौड़ ने कहा कि वर्ष 2018 खेल वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय में राष्ट्रीय पुलिस हॉकी प्रतियोगिता में बीएसएफ और पंजाब की टीम फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल मुकाबले में बीएसएफ ने सीआरपीएफ को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराया। बीएसएफ की जीत के हीरो हतिंद्र सिंह रहे, उन्होंने टीम के लिए एकमात्र गोल किया। दूसरे सेमीफाइनल में पंजाब ने आईटीबीपी की टीम को 12-2 से पराजित किया। पंजाब ने शुरू से ही मैच में अपना दबदबा बना लिया और पहले हाफ में 5-2 की बढ़त ले ली। दूसरे हाफ में पंजाब ने 7 और गोल कर एक तरफा जीत हासिल कर ली। पंजाब की ओर से रमनदीप सिंह ने सर्वाधिक 5 गोल दागे। कल पंजाब और बीएसएफ के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तीसरे स्थान के लिए सीआरपीएफ और आईटीबीपी के बीच मुकाबला होगा। कल समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हिसार के उकलाना में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी का सुराग देने पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता। सरकार ने एक वित्त वर्ष में 2 बार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कलेक्टर दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, हर गरीब को योजना का लाभ देना सरकार की प्राथमिकता। मेजर जनरल अनुज माथुर ने भिवानी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिंकारा कैंटीन का उद्घाटन किया। भूतपूर्व सैनिकों ने इसका स्वागत किया। और केंद्र सरकार 3 वर्ष के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू करेगी। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, इसका उद्देश्य खेलों को मुख्य धारा में शामिल करना है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।